तो आज हम जाने वाले हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे, और आज मैंने पूरा गार्ड वगैरह लगा लिया है, बाइक से चलने वाले हैं, कार से नहीं। और साथ साथ में वहाँ पे चल के क्या होगा वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। और क्या पूछ रहे हैं, हेलमेट का है? अरे भाई, ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़े मत हो जाइए, पहले ही हेलमेट भी पहनेंगे और बाइक भी निकालेंगे सबसे पहले, तो फिर चलते हैं। चलो भैया, आओ स्टार्ट करो अपने रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड वा स्टार्ट करो अपना। एक बंदा आया, बोला एक्शन कैमरा को देख के, बोलता ये क्या है, सांस लेने वाला है? मैं बोला हाँ, सांस लेने वाला है, इसी से ऑक्सीजन आती है। डलवा ही लेते हैं और क्या। क्या यार ऐसी कंजूसी, पेट्रोल कम है क्या? एक में भर के भाग रहे हो ज्यादा, लेकिन बचा भी नहीं है। हाँ यार, कितने का डाल दें? दिखा रहा है, कितने का डालोगे? अच्छा ज्यादा है तब तो 200 का डाल दो। तो हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पे पहुंच चुके हैं, और RR 310 है अपने पास, दो बाइक है इस समय, ये है और थंडरबर्ड एक खड़ी है। तो अभी हम लोग ड्रोन उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हवा ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए तो ही अब अच्छे से उड़ पाएगा। तो अभी हम लोग का फोटो शूट चल रहा है, तो ये हम इंस्टाग्राम हैंडल पर डालेंगे अपने, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके ज़रूर आप फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग चेक कर रहे हैं, सारे गियर लग चुके हैं, तो अभी मैं अपने बाइक की टॉप स्पीड देखने वाला हूँ कि कितने तक जा सकती है। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्पीड जो है, टॉप स्पीड वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पैनल पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ऑडोमीटर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप रिकॉर्ड भी हो जाएगा। वैसे भी कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ।
मेरे ख्याल से 158 तक गई है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई। और अभी स्लिपर क्लच अभी अभी लगवाया और साथ में सर्विसिंग, अभी इसकी ये थर्ड सर्विसिंग हुई है। और हाँ, वैसे जो टायर में एयर प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, जो मैंने एयर भराई थी वो काफ़ी पहले भराई थी, नाइट्रोजन एयर तो भराई थी पर काफ़ी समय भी हो गया भरवाए हुए। तो अभी देखते हैं टॉप स्पीड यहाँ पे हमको दिख जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है टॉप स्पीड 158, उससे ऊपर मैं नहीं ले जा पाया, पर नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो बाइक की हमने टॉप स्पीड वगैरह देख ली और इसके बाद आते आते एक घर पसंद आ गया, वो खरीद लिया अभी रास्ते में। मजाक कर रहा हूँ, घर खरीदा नहीं है, देखने आए हैं और अभी आपको दिखाते हैं। और आइए अब घर आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये फ्रंट एंट्री है और फिर यहाँ पे किचन है, और ये किचन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल है, और यहाँ से भी आपको एक एंट्री मिलेगी। तो बाहर से मैं वो रास्ता भी दिखा दूँगा। और ये देखते हैं आप वॉल पे प्रिंटिंग जो हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और वॉल सीलिंग ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रूम मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको एक रूम मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 3 रूम मिल रहे हैं हॉल के साथ। ये यहाँ पे सेंटर, और इसके बाद ये किचन है, और यहाँ पे एक बाथरूम है जो अलग से है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम। ये जो मकान है ये बिकने के, सेल होने के पर्पज़ से है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है लखनऊ में मकान लेने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और ये जो मेरा फ्रेंड है ये इसी का है और ये सील करने वाला है इस मकान को। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर नीचे लाइक बटन पर प्रेस कर। इसके बाद दूसरा जो फ्रेंड है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट का भी हैंडल मैं नीचे दे दूँगा, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।